Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we will study chapter number 6, World of 1945, part 5 of class 9 SS-GSEB NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है. इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे वर्ल्ड ऑफ 1945 का. इस वीडियो को हमने पांच भाग में विभाजित किया था. ये पांचवा हिस्सा है. ये सोशल साइंस की SS-NCERT सिलेबस में से है, नौवीं कक्षा की. Friends, in the first four parts of this chapter, we saw how the world started to operate after the first two world wars. Post that, there was the formation of the United Nations, which has tried everything to maintain world peace and security all over the world. Post that, America and Russia started to have a cold war between them. Both of them wanted to be the superpower. Post the superpowers had lost their existence, the old superpowers. They tried their best. The Cold War started for a long time. Post that, there was the formation of NAM, which did not want to support either of the two superpowers. Then we skipped on to the formation of the Indian subcontinent concentration, where the country like India has started to show what kind of relationship it has with other countries, and will proceed from here. दोस्तों पहले चार हिस्सों में हमने देखा कि कैसे दोनों विश्व युद्ध के बाद दो सुपर पावर्स चाहते थे कि एक दूसरे के ऊपर दबदबा उनका बना रहे, पूरे विश्व पर रहे. लेकिन दो सुपर पावर्स की लड़ाई अगर हम देखें, कोल्ड वॉर आज तक चालू है. यूएन का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसने हमेशा चाहा है कि पूरे विश्व में शांति और सिक्योरिटी बरकरार रहे. उसके बाद नैम का फॉर्मेशन भी हुआ, जो इन दोनों सुपर पावर से अलग थे. और लास्ट हिस्से में हमने देखा कि कैसे भारत के रिलेशन आजू बाजू के देशों जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ है. अब हम देखते हैं कि भारत का रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसा है. फ्रेंड्स, बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब विद आवर चैनल ज्ञान गुरुवाणी. दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए. तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ. जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी चलो, 5 4 3 2 1 0. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों. चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में. इंडिया एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स. बांग्लादेश को अपनी आज़ादी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मिली. इन ईयर 1971 बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री, एज अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र और अलग देश बन गया, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था. एज अ न्यू अपकमिंग कंट्री, इंडिया हेल्प बांग्लादेश फाइनेंशियली, टेक्निकली, फिजिकली बाय गिविंग इक्विपमेंट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे एक नई उभरती देश ऊपर आ रहा था, इसलिए भारत ने बांग्लादेश को हर किसी चीज़ से सहायता की, पैसों से, तकनीक से, और हर वो चीज़ चाहा ताकि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहे. बट देर आर सर्टन इश्यूज विच हैव रिजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. लेकिन भारत और बांग्लादेश में कुछ कुछ इश्यूज़ हमेशा ऊपर आते रहे हैं. द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर गंगा एंड इट्स प्रॉपर चैनलाइजिंग हैज़ बीन टॉक्ड आउट बिटवीन द टू कंट्रीज. भारत से आता हुआ गंगा नदी का पानी और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये दो देशों के बीच में हमेशा चर्चा का विषय रहा है. ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, इंडिया इज हेल्प इमेंसली. कुदरती आपत्ति जैसे पूर, तूफान या कुदरती कोई भी तकलीफ हो, भारत ने हर तरह से बांग्लादेश का मदद किया है. इन 2015 कॉन्क्रीट टॉक्स हैव बीन टेकन प्लेस इन मैटर ऑफ डिस्प्यूटेड ज्योग्राफिकल लैंड रीजन्स एंड सिटीजनशिप ऑफ पीपल. 2015 में एकदम सख्त तरीके से बातें हुई है डिस्प्यूटेड ज्योग्राफिकल लोकेशंस को लेकर और सिटीजनशिप, लोगों की सिटीजनशिप को लेकर. इंडिया एंड भूटान. अ पीसफुल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन द ईयर 1949. 1949 में एक दोस्ताना वाली फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी भारत और भूटान के साथ साइन की गई थी. भूटान हैज़ ट्रस्टफुली साइडेड इंडिया इन द सिक्योरिटी एंड फॉरन पॉलिसीज. उनकी सिक्योरिटी और फॉरन पॉलिसीज को लेकर भूटान ने हमेशा भारत के साथ दिया है. इंडिया अशोर टू एड भूटान इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन.
भारत ने हमेशा भूटान को टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की एरिया में मदद की है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिटेड भूटान इंडिया 1958 एंड देयर आफ्टर इंडियन प्रेसिडेंट टू हैव विजिटेड भूटान इन द ईयर 1970। 1958 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और 1970 में भारत के राष्ट्रपति ने भी भूटान का विजिट किया था। इंडिया हेल्प भूटान इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 1971। 1971 में भारत ने भूटान की मदद की थी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए। देर इज़ नेवर अ ट्रबल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भूटान और भारत के रिलेशनशिप में कभी कोई तकलीफ नहीं आई है, ट्रबल नहीं आया है। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड भूटान इन द ईयर 2014 एंड सेड दैट इंडियाज़ प्रोग्रेस हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द नेबरिंग कंट्रीज़। 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान विजिट किया था और कहा था कि इंडिया के डेवलपमेंट पर, प्रोग्रेस पर उसका असर सीधे अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पर पड़ता ही है। द इंटर सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन हैज़ बीन डन सेटिस्फैक्ट्री। अंदरूनी सिक्योरिटी मेंबर्स रिलेशन जो है भारत और भूटान के लिए वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हुआ है। इंडिया श्रीलंका। The relationship between India and Sri Lanka is very old. भारत और श्रीलंका का संबंध बहुत पुराना है। Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled there after. बहुत सारे तमिल भाषा बोलने वाले तमिल लोग श्रीलंका में जाकर रहे हैं और वहाँ सेटल हो गए हैं। Their citizenship was the main issue between India and Sri Lanka, but continuous talks has resolved it. भारत और श्रीलंका के संबंधों में उनकी सिटीजनशिप को लेकर बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन उसको रिजॉल्व भी किया है। द प्रॉब्लम ऑफ तमिलियंस एंड पीसफुल टॉक्स बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशंस एंड श्रीलंका गवर्नमेंट वाज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। तमिल लोगों की प्रॉब्लम और तमिल ऑर्गेनाइजेशन और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में की जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है वो भारत ने सॉल्व करने की कोशिश की है, उसको प्राधान्य भी दिया है। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द ट्रबल्ड रिलीजन ऑफ तमिलियंस इन जाफना ऑन 13 मार्च 2015। 13 मार्च 2015 को जाफना रीजन जहां तमिलियंस ज़्यादातर रहते हैं श्रीलंका में, वहां भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने विजिट भी किया था। इंडिया असिस्टेड फाइनेंशियली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिलियंस। भारत ने तकरीबन 27,000 घर कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं ये तमिलियंस को वहाँ जाके सेटल होने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। टुडे इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन। आज भारत और श्रीलंका के रिलेशन बहुत ही मजबूत और कॉर्डियल है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप में बहुत बार ऊंच नीच भी रही है तमिलियंस को लेके। खास करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पर बहुत बार हमले भी हुए हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी हत्या में तमिलियंस का ही हाथ था, जो वहाँ के तमिलियंस से LTTE के। आप गूगल पर इसके बारे में ज़्यादा सर्च करके पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, देर हैव ऑल्सो बीन इश्यूज़ विद रिगार्ड टू इंडियन रिलेशंस विद श्रीलंका एज वेल इन द पास्ट, मेनली व्हेन आर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी वाज अटैक्ड ट्वाइस व्हेन ही हैड विजिटेड श्रीलंका, एंड देर हैज बीन अ कॉन्स्पिरेसी इन द किलिंग ऑफ मिस्टर राजीव गांधी एज वेल, एंड इट सेड दैट यू नो LTTE वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू कैन गूगल दीज डिटेल्स ऑन द साइट गूगल एंड यू नो चेक आउट मोर अबाउट इट। इंडिया नेपाल। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन द ईयर 1950। भारत और नेपाल के संबंध ट्रीटी साइन करने से शुरू हुए थे साल 1950 में। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी बोथ कंट्रीज कंसीडर टू बी सॉवरेन एंड टू प्रिजर्व रीजनल यूनिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजन एंड बट इन बोथ द कंट्रीज। इस ट्रीटी के मुताबिक दोनों कंट्रीज अपने आप को सॉवरेन मानते हैं, अपनी स्वयं प्रभुता और सार्वभौमिकता को संभाल के रखते हैं, और दोनों के सिटीजन्स को एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए छूट दी हुई है। इंडिया हैज़ हेल्प नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली। भारत ने सामाजिकता से और आर्थिक रीति से नेपाल को मदद हमेशा की है। नेपाली स्टूडेंट्स विजिट इंडिया फॉर हायर स्टडीज़। नेपाल के स्टूडेंट्स भारत में आगे की पढ़ाई के लिए भी आते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ नेपाल। हिमालय के पर्वतों से आने वाले जो नदियाँ हैं
वो नेपाल की अलग अलग जगहों से आती है। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग द रेन इट इज़ इफेक्टेड इट इफेक्ट्स इंडिया बैडली। इसके कारणवश भारत में बारिश के दरमियान बहुत बुरी तरह से इसका असर होता है। टू स्टॉप द फ्लो ड्यू टू द रिवर्स टॉक्स हैव बिगन बिटवीन द टू कंट्रीज़। इन नदियों के बहाव को रोकने के लिए और फ्लड्स को रोकने के लिए हमेशा भारत और नेपाल ने प्रयास किया है और उसको लेकर अभी बातचीत भी चालू है। On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake on the of the magnitude 2.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. 25 April 2015 में नेपाल को एक बहुत ही विध्वंसक अर्थक्वेक आया था जिसका रिचर स्केल पर 2.7.8 का मैग्नीट्यूड नापा गया था। इसके वजह से तकरीबन 8,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इंडिया एडेड इन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क इन द एरियाज अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक। भारत ने उनको रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए जिन जिन जगहों पर इफेक्ट हुई थी वहाँ हेल्प भी किया था। फ्रेंड्स, अगेन एज ऑफ टुडे July 2020, there has been some ups and downs with the relationship with Nepal. You might have seen this on the TV with the regards to their prime minister giving comments regards to being Bhagwan Ram being built over there, born over there. Then few parts of the country, of our country, have been shown in their map. But India is trying to resolve this politically. दोस्तों, आज के डेट पर July 2020 में कुछ ऊंच नीच आई है भारत और नेपाल के संबंध में। उनके प्रधानमंत्री श्री KP ओली ने भी कमेंट किया है भगवान राम के जन्म नेपाल में होने पर, और उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में भी बनाया है। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर भारत ये रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया हैज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। भारत के बहुत ही दोस्ताना रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ। इंडिया इज लार्ज हार्टेडली कंट्रीब्यूटेड टू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान लाइक इन द कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड एजुकेशन। भारत ने पूरे दिल जान से अफगानिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए मदद की, जैसे कंस्ट्रक्शन के एरिया में, हेल्थ के एरिया में और एजुकेशन के एरिया में। इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया इज फाइनेंशियली हेल्प। उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी भारत ने उनको हेल्प की है। ड्यूरिंग नेचुरल कलेमिटीज ऑल्सो इंडिया हेल्प फाइनेंशियली एंड भारत ने फाइनेंशियली भी हेल्प किया है नेचुरल कलेमिटीज़ में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग इज डन बाय इंडिया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी भारत के द्वारा हुआ है। इंडिया एंड म्यांमार बर्मा हैव वेरी कार्डियल रिलेशन। इंडिया और बर्मा, म्यांमार जिसका अभी का नाम म्यांमार है, पहले उसका नाम बर्मा था, उसके रिलेशन भी एकदम कॉर्डियल है। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद म्यांमार को भी 1948 में उनकी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली। फ्रॉम दैट टाइम रिलेशनशिप हैज़ बीन फ्रेंडली। उस समय के बाद भारत और बर्मा म्यांमार के रिलेशन एकदम फ्रेंडली रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज़ रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया। स्वतंत्रता के बाद म्यांमार ने भारत से फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमेशा मदद मांगी है। इंडिया हैज़ हेल्प देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फाइनेंशियली साउंड। भारत ने हमेशा उनको तुरंत ही फाइनेंशियल मदद की है क्योंकि भारत की हमेशा ये इच्छा रही है कि म्यांमार फाइनेंशियली एकदम स्टेबल रहे, साउंड रहे। फ्रेंड्स, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली ऑल्सो इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद म्यांमार। भारत का म्यांमार के साथ ऐतिहासिक और कल्चर के दृष्टि से भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। गॉड बुद्ध हैज़ ट्रेवल्ड अलॉट इन म्यांमार। भगवान बुद्ध ने भी म्यांमार में बहुत ट्रैवल किया है। इनफैक्ट म्यांमार एक बुद्धिज्म वाली कंट्री है। फ्रेंड्स, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन म्यांमार हु फॉलो बुद्धिज्म। देर हैज़ बीन एन एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज शेयर बाय भगवान बुद्ध टू इंडिया बैक आफ्टर इट वॉज गॉड एक्सटेंट, दैट इज नोन एज विपश्यना। भगवान बुद्ध की सिखाई हुई जो विद्या है विपश्यना, वो लुप्त हो गई थी जो म्यांमार ने भारत को सालों पहले फिर से सिखाई थी, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है। इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी इज़ टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। भारत की विदेश नीति हमेशा रही है कि विश्व में शांति रहे और सिक्योरिटी भी बरकरार रहे। फर्दर, इंडियन फॉरन पॉलिसीज इंश्योर्स फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप्स विद नेबरिंग कंट्रीज़। भारत की विदेश नीतियों में हमेशा ये पॉलिसी रही है कि उसकी दोस्ती और कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा उनके अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ रहे। बट देर ऑलवेज हैव बीन राइज एंड फॉल इन दिस रिलेशनशिप ओइंग टू वेरियस रीजन्स। लेकिन इस दोस्ती में और इन संबंध में हमेशा कुछ ऊंच नीच रही है विविध कारण के वजह से।
Whereas there have been a lot of other countries like in the Europe, African continent and Australia as well, and countries in the Arab states as well, where India has a very close relationship. दोस्तों ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, गल्फ के कॉन्टिनेंट में, अरबी देशों में और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं. However, there have been ups and downs at certain times. जैसे हम जानते हैं उन देशों के साथ भी कभी हमारी ऊंच नीच रही है, लेकिन इसके बारे में और जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी. यू विल डेफिनेटली गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑन गूगल. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सर्च इट योरसेल्फ. मेरी आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इनकी डिटेल्स आप जानने की कोशिश कीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ लर्निंग. क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारे संबंध का दूसरे देशों के साथ, और ये पढ़ाई करने लायक है, जानने लायक है. दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा. फ्रेंड्स आर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन. थैंक यू. बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.